एनसीसी फिजिकल टेस्ट की सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले एनसीसी में गर्ल्स की हाइट क्या होती है? स्कूल में तो हाइट की कोई लिमिटेशन ही नहीं है, वैसे एनसीसी में ही हाइट की लिमिटेशन नहीं है। कॉलेज में बात करें गर्ल्स की तो 152 सेंटीमीटर से लेकर 162 सेंटीमीटर तक गर्ल्स की हाइट, कहीं पे 152 रखते और कहीं कहीं पे 162 भी होता है, ठीक है। तो आपकी हाइट कितनी भी हो, गर्ल्स लोग स्कूल की हो कॉलेज की हो, आप लोग टेस्ट देने जाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बहुत छोटी छोटी भी गर्ल्स, किसी को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा, ठीक है, आपको टेस्ट देने का मिलेगा। बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ लोगों में, हाँ बॉयज़ लोगों में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि बॉयज़ लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है भर्ती में। तो बॉयज़ की हाइट 1.65 से 1.70 तक लेते हैं। अगर आपकी हाइट 60 के ऊपर है तो भी आप टेस्ट देने जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रनिंग की, तो गर्ल्स की रनिंग कभी कभी सिचुएशन के अनुसार 200 मीटर भी हो जाता है अगर बहुत गर्मी है, या फिर बहुत जगह गर्ल्स की जैसे यूपी वगैरह में गर्ल्स की रनिंग 1600 मीटर होती है। हमारे बिहार साइड में कहीं पे 800, कहीं पे 1600 वैसे होता है, ठीक है। मतलब 200 से लेके 1600 मीटर तक गर्ल्स की रनिंग, तो गर्ल्स लोग 202 किलोमीटर की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कम से कम 2 किलोमीटर फास्ट, और आप प्रैक्टिस करेंगे जब स्लो स्लो, बाकी मैं आपको बता दूंगा कैसे तैयारी करना है, लाइव क्लास आप कंटिन्यू करेंगे। और प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप आप लोग डाउनलोड करेंगे, जहाँ पर सारा होमवर्क आपको है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। रनिंग की आपको बता दिया, नेक्स्ट बात करते हैं बॉयज़ की रनिंग। तो बॉयज़ की रनिंग स्कूल में जनरली 400-800 मीटर होता है, कहीं कहीं पे 1600 भी होता है, और कॉलेज वगैरह में तो 1600 भी जनरली होता है, ठीक है। और बॉयज़ लोगों का कंपटीशन टफ होता है, जैसे इतने लोग दौड़ रहे हैं ना, तो इनमें से रिजेक्ट भी बहुत कम को करते हैं। यूपी में कंपटीशन सबसे टफ होता है, वहाँ पे एक बैच में 40 बंदे कहीं कहीं पे दौड़ाते हैं, कभी 2 बंदे, कभी 4 बंदे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको फिजिकल की तैयारी सबसे ज़्यादा टफ होता है एनसीसी में। रिटर्न का तो क्लास आप कंटिन्यू करेंगे जो शाम में 8 बजे रात को चलती है, और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे सभी लोग, जो कि चैनल के नाम से ऐप है तेजस एनसीसी आर्मी, वहाँ पर सारे वहाँ से आपको होमवर्क पढ़ करना, ठीक है। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो बॉयज़ लोग कम से कम 2 किलोमीटर की फास्ट प्रैक्टिस करेंगे टाइमिंग। और अब बात करते सीटअप, तो गर्ल्स की पहले सीटअप नहीं होती थी, लेकिन अब सीटअप भी होता है, तो गर्ल्स लोग कम से कम 15 सीटअप प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे 15 लगवाते हैं। और देख रहे हैं, अभी देखना कोई कोई इसमें उनसे हो नहीं पाएगा, अभी देखो इन लोग का सिचुएशन क्या हो रहा है, तो फिर इनको बोला जाएगा कि चलो आप रहने दो, आपसे तो होगा अभी। तो आप लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे, फिजिकल में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा अगर ज़्यादा गर्ल्स आ गई। अभी देखिए उस लड़की का 3 सीटअप लगाए, उसका हो गया। तो प्रैक्टिस गर्ल्स लोग कम से कम 15 सीटअप का करेंगी। यहाँ पर तो पैर पकड़ लेते हैं, बहुत जगह पर पैर पकड़े कोई नहीं पकड़ेगा, आपको खुद से लगाना है, ठीक है। आप लोग पूरा काउंटिंग देखिएगा, अप डाउन पर होता है जो कि काफ़ी थोड़ा टफ होता है, 15 मतलब 30 सीटअप, अगर फास्ट लगा तो 30 सीटअप का बराबर होगा। ये तो अप डाउन पर होता है ना, आर्मी वाले सब लोग अप डाउन पकड़ाते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे ऊपर जाना, डाउन बोलेंगे नीचे आना। गर्ल्स लोग का सीटअप, गर्ल्स लोग का फिजिकल और टफ, 30 सीटअप, पूरा वीडियो देखिएगा। और जो लोग कम करेंगे उनका नोट हो जाएगा कि आपने कितना, उतने ही आपको नंबर मिलेंगे। जैसे आर्मी में होता है ना, सेम टू सेम जस्ट लाइक आर्मी, एनसीसी की भी भर्ती होती है, ये आर्मी विंग की भर्ती, नवल वाला भी भर्ती का मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, सेम होता है, ठीक है, प्रोसेस सेम होता है। अभी देखना जो इसमें नहीं लगाएगा उसको फिर हटाया जाएगा। वीडियो आप पूरा देखेंगे, आगे भी पूरा प्रोसेस है, ठीक है। केवल रनिंग और पुशअप सीटअप से नहीं काम चलेगा, अभी आगे ये तो अभी सीटअप ही चल रहा ना, आगे आपका फ्लैट फुट और पुशअप, उसके बाद हाथ हैंड चेक होता है, फिर फाइनली आपका सिलेक्शन रिटर्न का आधार पर होता है, ठीक है। फाइनली रिटर्न का आधार पर होता है, और रिटर्न भी ईजी नहीं रहा, मतलब टफ हो गया। तो रिटर्न की प्रैक्टिस डेली क्लास चलती है, और 2022 में ना 100% तेजस चैनल के बंदों का सिलेक्शन, 100% एक बंदा भी रिटर्न में फेल नहीं। तो फिजिकल की तैयारी अच्छे से करेंगे, सबसे टफ फिजिकल होता है। मैं आपको गाइडलाइन क्लास में भी देते रहता हूँ कि फिजिकल की तैयारी कैसे करें, जिनकी रनिंग नहीं हो पाती है, क्या खाए क्या नहीं करें। अभी आप प्रोसेस देखिए, अभी देख रहे हैं, देखिए जिससे नहीं हो पा रहा उसको साइड कर देंगे, इनको मिलेगा कम नंबर, इनका नंबर लिख दिया वहाँ पे कि हाँ आपने 10 ही लगा, 12 ही लगा, इनका नंबर कटेगा। रिटर्न में कितना आएगा, ऑल ओवर मार्किंग जोड़ के देंगे ना इनको, तो ऐसे में दिक्कत होता है। तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, कोई भाई बंदी नहीं। आगे बात करते हैं गर्ल्स की पुशअप, तो गर्ल्स लोग कम से कम 10 पुशअप्स की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत जगह गर्ल्स की पुशअप होती नहीं, मुश्किल होता है ना, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, इसमें कोई आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। देखिए इन लोग का देख रहे हैं पुशअप, एक पुशअप भी अच्छे से नहीं लगा पा रहे,
अब बात करें बॉयज की पुशअप, तो स्कूल में बॉयज का 12 से 15, कॉलेज में 25 से 30, स्कूल वाले कम से कम 15 पुशअप की कर लेंगे, वो भी अप डाउन पे। अगर आप फास्ट करोगे तो 15 की जगह 30 करना, स्कूल में 15 और कॉलेज वाले अप डाउन के करवाएंगे, फास्ट करेंगे तो 50। क्या आप अप डाउन पे करते हैं ना, आप करा के छोड़ देंगे फिर कुछ देर के बाद डाउन, देख रहे कैसे ऐसे होता है, वैसे में दिक्कत होता है। ठीक है, 30 मतलब 60 के बराबर होगा, तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। ये लोग स्कूल के बच्चे हैं ना, कॉलेज में मुश्किल होता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा होता है। अभी आपका फ्लैट फुट ये हो रहा, फ्लैट फुट चेक हो रहा। चलो भाई, जैसे आर्मी में होता है ना पूरा फिजिकल, वैसे हो रहा कि आप क्या डिफेंस के लिए एलिजिबल हो नहीं हो। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो फिर या तो आपको गाइडलाइन देंगे, ज़्यादा ये होगा तो फिर आप आपका नाम नोट कर लिया जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों में रिजेक्ट नहीं किया जाता है क्योंकि NCC आपको गाइडलाइन देने के लिए है। ये सब चीज़ें आपकी दूर होगी, आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग मिलेगा डिफेंस का, पूरा बेसिक ट्रेनिंग। तो आप लोग देख लेंगे, फ्लैट यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे इसको कैसे ठीक करें और फिर उसका प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ध्यान दें। अभी देखिए, ये लोग एक हाथ से एक पैर पर खड़े नहीं हो पा रहे, ये सब आपकी डिमेरिट है। ऐसे में फिर आपका नंबर कटेगा। गर्ल्स लोग का भी फ्लैट फुट चेक होगा। देखिए इनका, देखिए इन लोग से मतलब 10 सेकंड भी नहीं खड़े हुआ जा रहा है एक पैर पर। तो अगर आपको डिफेंस जाना है गर्ल्स, तो फिर आपको तो फिजिकली पूरा स्ट्रांग होना पड़ेगा ना, थोड़ा रनिंग वगैरह और वर्कआउट योगा वगैरह प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। ठीक है, देख रहे हैं इन लोग का इतने में बैंड बज गया। तो चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो, प्रैक्टिस अब अभी इनका, अब होगा हैंड चेकअप, कहीं आपका हाथ टूटा हुआ तो नहीं है। अब डिफेंस के लिए हो ही नहीं, फिर आपको NCC में लेके क्या ही फायदा, हाथ नहीं टूटा है फिर। ठीक है, ज़्यादा टेढ़ा है ये हो नहीं आपकी एल्बो, बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी दिक्कत है। वैसे गर्ल्स लोग को जल्दी रिजेक्ट नहीं करते क्योंकि गर्ल्स लोग बहुत ज़्यादा नहीं आती। उसको देखो, उससे हाथ भी नहीं खड़ा किया जा रहा है सामने। अभी बॉयज लोग का चेक हो रहा, अब उधर में देखिए वो जो वहाँ पे सर चेक कर रहे हैं, उनकी उंगली पता नहीं कभी एक्सीडेंट में या फिर किसी तरह से उनकी कटी हुई थी, वैसे में आप पे करवाई होगी, इसलिए पहले पूछ लेते किसी का हाथ टूटा हुआ है या फिर कभी कटा फटा है तो आप बता दो। बाकी सारे ये बंदे एकदम टनाटन है। तो फिजिकल में आपका कोई, डिफेंस में आपको जाना है तो फिजिकली तो फिट होना ही पड़ेगा ना, तो इसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। बाकी आप रियल वीडियो देख ही रहे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, प्ले स्टोर से तेजस NCC आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। रिटर्न फाइनल सिलेक्शन आपका इसी रिटर्न पर होता है, और रिटर्न आपका ऐसे नहीं कि पास पास बैठा देंगे कि आप चीटिंग मार लेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं मिलता। और वापस सारे सब लोग गाड़ी करते हैं आर्मी वाले सर, ये तो CO साहब ही है, तो आप वहाँ पर मुंडी इधर उधर घुमाएंगे फिर आपको भगा देंगे। ठीक है, ये गर्ल्स लोग, बॉयज लोग अलग इधर बैठा के फिर होगा रिटर्न, इसमें कोई आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। क्लास डेली रात को 8 बजे चलता है, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, प्ले स्टोर से तेजस NCC आर्मी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पर सारे मॉडल पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को दोनों क्लास करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम किसी मोड में हो सकता है, यह नहीं कि केवल आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे केवल सब्जेक्टिव। ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही, सभी को जाइए।